मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आई एम योर सब्जेक्ट टीचर अमन मैम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी। इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट लिंग, जेंडर, द डेफिनेशन ऑफ जेंडर एंड द टाइप्स ऑफ जेंडर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जेंडर। मैंने अपने पिछले क्लास में लिंग की परिभाषा दी थी और लिंग के कितने भेद है उसके नाम बताए थे। तो आज हम लोग लिंग के भेद की परिभाषा को जानेंगे और समझेंगे। दिस इज योर टुडेज क्लास वर्क। क्लास वर्क आई मेंशन हियर 18 जून 2020। क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब कि जिस जो शब्द पुरुष जाति यानी कि मेल के बारे में बताते हैं, जिनसे हमें जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या किसी को बताते हैं तो जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वो किसी मेल के बारे में बताया जा रहा है, तो वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, माली, रविवार, पीपल, जनवरी, हिमालय आदि। मोर तो हम लोग जानते हैं कि पुल्लिंग है। माली जो गार्डन गार्डनर होता है उसे माली बोलते हैं। लेकिन रविवार ये एक डे है, संडे। कोई भी डेज मंथ जो होता है वो हमेशा मेल होता है, यानी वो हमेशा पुल्लिंग होता है। इसलिए रविवार ये पुल्लिंग हो गया। पीपल यानी यहाँ पे एक पीपल एक ट्री है, ये एक पेड़ है। तो कोई भी पेड़ हो, चाहे वो आम का हो, केला का हो, नीम का हो, वो सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जनवरी, जनवरी एक मंथ है, तो ये भी कोई भी मंथ हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टिल दिसंबर, वो सभी पुल्लिंग होते हैं। हिमालय कोई भी माउंटेन प्लेस हो तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से या जिन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि हम किसी स्त्री यानी कि फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मोरनी, मोर पुल्लिंग था तो उसकी स्त्रीलिंग क्या हुई? मोरनी। माली पुल्लिंग था, उसकी स्त्रीलिंग क्या हुई? मालिन। हिंदी, गंगा, दया आदि। हिंदी एक भाषा है। जब भी कोई भी भाषा यानी कि किसी भी लैंग्वेज की बात होगी, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज होगी, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। गंगा ये एक नदी है, गंगा इज अ रिवर। तो कोई भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी के बारे में अगर बात हो, नील नदी, तो वो सभी स्त्रीलिंग होती है। दया, दया मतलब इमोशनल, अगर किसी के इमोशनली किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा पर्सन है, वो दयालु है, वो बहुत ही रूडली किसी के साथ बिहेव करता है, किसी की इमोशनल के बारे में बताया जाता है, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, तो वो भी स्त्रीलिंग होता है। दिस इज योर क्लास वर्क। आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड दिस द डेफिनेशन ऑफ पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। दिस इज योर क्लास वर्क, यू विल राइट डाउन इन योर कॉपी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।